हेलो, गुड मॉर्निंग एडवर्ड जी। ठीक है, आज फिर हम कंटिन्यू करेंगे वेक्टर्स 3D। ठीक, इसके PYQ क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे एंगल, ये क्वेश्चन है, ये एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन डायगोनल पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल ऑफ डायगोनल पैरेललोग्राम, वो एडजेंट साइड आर Who adjacent side are represented by a equal to 2i plus j plus k cap, b equal to I minus J plus K। ये तो इस तरह का, ये एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम हूज एडजेंट साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय ए इक्वल कितने, एक पैरेललोग्राम है ये, ठीक। अगर मान लिया ये ए है, क्या है ये ए है, क्या है ये ए है, और ये कितना है मान लिया, ये बी है, ये ए है, ये बी है, और इसका अगर ये डायगोनल डी है, ये अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री लॉ या पैरेललोग्रामी का, अगर मान लिया डी वन है, तो डी वन इक्वल टू क्या आएगा, डी वन इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या आ गई, टू आई प्लस जे प्लस के प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई माइनस जे प्लस के, ये आ जाएगी। अच्छा, टू आई और आई थ्री आई, जे से जे गया, के प्लस के टू के, क्या आ गई, टू की आ गई, ये आ गई टू के, ठीक। अगर ये आगे डी वन, अगर मैं ये डी टू मान लू, ये एंगल डायगोनल की एंगल की भी है, डायगोनल मान लिया डी टू हो जाएगा, यहां हो जाएगा ये डी डी में पैरेललोग्राम, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये तो बी हो जाएगा। इफ डी टू के लिए, इफ जी टू के लिए ये इधर है तो ये इधर जाना चाहिए था, लेकिन इसकी पैरेलल है इधर, इधर ये कितना होगा, ये बोलिए माइनस ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये माइनस ए, इधर के क्या आ जाएगा, ये माइनस ए, ये डायरेक्शन क्या, क्योंकि ए इधर है तो डायरेक्शन क्या है, चेंज हो जाएगा जी, तो डी टू क्या आ जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर, डी टू क्या आ जाएगा, डी टू इज इक्वल टू क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर, ए माइनस के बी, ए की वैल्यू क्या आ गई, टू आई प्लस जे प्लस के माइनस आई बाय आई माइनस जे प्लस के, टू आई में से जाके आई जे प्लस जे टू जे, और के में से के माइनस के यार, टू आई आई प्लस टू जे। अब क्या है इसमें से, डी वन क्रॉस डी टू, यानी ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो पढ़ा था, ए डॉट बी का क्या होता है, ये पढ़ा था हमने, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा,
और कॉस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, ये मोड ए मोड बी, ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए बी की वैल्यू क्या आ गई, यानी ए बी की क्या आ गई है, डी वन डी टू, या चाहे डी वन डी टू कर लू, यहां इसके यहां क्या कर लू, डी वन ये डी टू, ये डी वन ये डी टू, ये डी वन ये डी टू, ये डी वन ये डी टू, डी वन की वैल्यू क्या आ गई, थ्री आई प्लस टू के, थ्री आई प्लस टू के डॉट आई प्लस टू जे, आई प्लस टू जे अपॉन डी वन क्या आ जाएगा, थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, ये क्या आ गया, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, ठीक भाई। इसकी जो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी, इसकी डॉट में थ्री आई की आई में क्या आ जाएगी, थ्री यानी कोस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, थ्री अपॉन ये कितना आ गया, थ्री स्क्वायर द नाइन, नाइन और फोर का थर्टीन, ये कितना आएगा, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फाइव, इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू थ्री अपॉन सिक्सटी फाइव, थ्री अपॉन सिक्सटी फाइव, और थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स ये दैट इज सॉल्व, क्या आ गई, ये आ गई। देखो क्या है कि क्यों ये पैरेललोग्रामी था, इसकी दो वो दे रखी थी साइड ए और बी, तो इसके इनके बीच का एंगल निकालना था, क्या एंगल होगा इनका ये ए और बी, तो अच्छा ये पैरेललोग्रामी से ए साइड ये भी है, तो डी वन इक्वल टू क्या होता है, डी वन इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस बी इस डी टू के लिए, ये डी टू के लिए, ये तो बी तो है ही है, ये इधर होनी चाहिए साइड, लेकिन ये इधर पैरेलल में इधर है, तो इधर क्या आएगा, ये अगर ए इधर है तो डायरेक्शन चेंज होकर आ जाएगा माइनस ए, तो डी टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टू क्या जाएगा, ये ए माइनस बी नहीं बी माइनस ए, डी टू क्या जाएगा, बी माइनस सॉरी गलत हो गई भाई, डायरेक्शन इसकी चेंज हुई ना, इसकी डायरेक्शन किसकी चेंज हुई है, ए की, ये बी माइनस ए आएगा, क्या आएगा ये, सॉरी क्या आएगा ये, बी माइनस ए आएगा, क्या आएगा ये, ए माइनस बी नहीं बी माइनस ए आएगा, टू क्या आएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या आएगा, डायरेक्ट कर दूंगा मैं, बी माइनस ए, आई में से आई आ क्या आएगा, माइनस आई क्या आ जाएगा, माइनस आई माइनस जे, माइनस जे माइनस टू जे आएगा, आई माइनस टू जे, आई माइनस टू जे, आइए क्या आएगा, आई माइनस टू जे, तो ए डॉट तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू सीधा कर लूंगा मैं डायरेक्ट, इज इक्वल टू थ्री आई प्लस टू के, थ्री आई प्लस टू के डॉट माइनस आई माइनस टू जे अपॉन इसका थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, ये क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस के टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ माइनस थ्री क्या आएगा, ये माइनस थ्री ये आ जाएगा थ्री, तो माइनस कोस इनवर्स इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन सिक्सटी फाइव, ये ठीक है भाई, आगे समझ में, आगे बढ़े, हम क्या है बेटा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेट ए बी सी डी आर फोर पॉइंट, लेट ए बी सी एंड डी आर फोर पॉइंट, सी डी आर फोर पॉइंट, फोर पॉइंट इन ए स्पेस सेटिस्फाई द इक्वेशन इन अ स्पेस सेटिस्फाई इक्वेशन सेटिस्फाई इक्वेशन ए बी इज इक्वल टू ए बी डॉट सी डी इज इक्वल टू के ए डी, के ए डी प्लस बी पी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, यस ए बी डॉट सी डी के ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर माइनस ये then the value of k is then the value of k is k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू कौन सी है, क्यों करना है a है 1/2, b है 1, c है 3/2, b है 2, ये अच्छा मान लिया ए का जो है पोजीशन वेक्टर वो ए है, लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज ये रहा, मान लिया ए का पोजीशन वेक्टर ये आ गया, बी का पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिकल्ट की जगह बी बी, सी का पोजीशन वेक्टर ऑफ सी सी सी, बी का पोजीशन वेक्टर बी बी, यस। अच्छा अब इसमें क्या है ए डी क्या है, मैं तो इस सब की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, ए डी क्या जाएगा, ए बी क्या जाएगा, यहां से ए बी क्या जाएगा बी माइनस ए, ए बी की वैल्यू क्या जाएगा बी माइनस ए, सी डी की वैल्यू क्या जाएगी यहां से बी माइनस ए पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, सी डी माइनस सी, अब ए डी की वैल्यू क्या जाएगी यहां से डी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर, बी सी की क्या जाएगी सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए सी की वैल्यू क्या जाएगी सी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर, बी डी की वैल्यू क्या जाएगी बी माइनस बी वेक्टर, बी माइनस बी वेक्टर, और इन सब की वैल्यू क्या है मैं किस इसमें यहां क्या करूंगा मैं पुट कर दूंगा, इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा मैं यहाँ इन सब की जो है पुट कर दूंगा, क्या आ जाएगा बी माइनस ए डॉट सी डी डी माइनस सी इज इक्वल टू के ए डी, ए डी की वैल्यू बी माइनस ए प्लस
सी माइनस बी माइनस सी माइनस के का स्क्वायर माइनस डी माइनस बी का स्क्वायर या अच्छा इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा और इसकी इसको खोल लूंगा तो उनमें से क्या आ जाएंगे ये कट फट जाएंगे तो ये है इसमें क्या है आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा ये ठीक है तो इसके लिए है इसमें ए की वैल्यू आ जाएगी कर लेंगे भाई ठीक है कर लेंगे इसको भाई अरे इसको बी डॉट ये डी आ जाएगा बी डी गोस के लंबा है इसको कर लेना ठीक है भाई ये तो करके दिखाऊंगा और आपको तो कर लोगे ठीक है कर लेना इसको बहुत चलो आगे बढ़ते हैं क्या इसमें इफ द लाइन ज्वाइनिंग यू इफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट एट द पॉइंट ज्वाइनिंग ओरिजिन एट द पॉइंट माइनस टू एंड टू ज्वाइनिंग द ओरिजिन एट द पॉइंट माइनस टू एंड टू मेक एन एंगल थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री मेक एन एंगल थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन कोऑर्डिनेट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सेप्ट देन द वैल्यू ऑफ then the value of cos 2 theta 1 plus cos 2 theta 2 plus cos 2 theta 3 cos 2 theta 3 e देखो कोई जो है ओरिजिन से ये कोई लाइन जो है ज्वाइन हो रही है ये तो ओ है और ये क्या है ये ए है ए के जो कोऑर्डिनेट है क्या है कोऑर्डिनेट माइनस टू वन टू है और इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है जीरो 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 इसको ये ज्वाइन कर रहा है ज्वाइन द कोऑर्डिनेट और इसके साथ एंगल क्या बना रहा है इनके साथ एक्सल के साथ थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री प्लस अच्छा तो ओ ए इक्वल टू कितना आ गया टू आई माइनस टू आई प्लस जे प्लस टू के ए इक्वल टू कितना आ गया ये आ गया अच्छा और अगर इसका ओ ए कर लू मैं इसका मोड निकाल लू क्या आ जाएगा मोड इसका क्या आ जाएगा टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर कितना आ गया टू का स्क्वायर फोर वन फोर नाइन रूट नाइन इक्वल टू कितना आ गया थ्री आर कितना आ गया थ्री आर सो ओ ए कैप कितना आ जाएगा ये माइनस टू अपॉन थ्री आई
प्लस वन अपॉन थ्री जे प्लस टू अपॉन थ्री के। ये जो है ये एंगल बना रहा है एक्स स्क्वायर थीटा वन, ये थीटा टू, ये थीटा थ्री। तो है ये क्या आ गया है, ये आ गया कॉस थीटा वन इक्वल टू कितना आ गया माइनस टू अपॉन थीटा थ्री कॉस थीटा टू, और थीटा टू कितना आ गया वन अपॉन थ्री, और ये कितना आ गया, ये कितना आ गया कॉस थीटा थ्री इक्वल टू टू अपॉन थ्री। वैल्यू निकालनी है मुझे इसकी कोस टू थीटा वन कोस टू थीटा टू प्लस कोस टू थीटा थ्री की वैल्यू निकालनी। वैल्यू कितनी निकालनी है मुझे, कोस टू थीटा वन प्लस कोस टू थीटा टू प्लस कोस टू थीटा थ्री। फिर अब तो सिंपल है ये ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री के आप पूरा सिलेबस करो या ना करो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है वो हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी आ जाता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज में भी, इंटीग्रेशन में भी, और इसमें भी। तो इसमें क्या जाता है ये, फिर जो इसमें फॉर्मूले आ गए, फॉर्मूले के हो जाए कोस टू थीटा। कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस टू थीटा के तीन फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मुझे चाहिए कोस में। तो कोस टू टू कोस स्क्वायर थीटा वन माइनस वन, टू कोस स्क्वायर थीटा वन माइनस वन, क्या आ जाएगा ये टू कोस स्क्वायर थीटा वन माइनस के वन, ये कह रहा है टू कोस स्क्वायर थीटा टू माइनस वन, टू कोस स्क्वायर थीटा थ्री माइनस के वन, टू टू दोनों में कॉमन ले लिया, क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा टू प्लस कोस स्क्वायर थीटा थ्री माइनस के थ्री। इनकी सबकी वैल्यू रख दूंगा, इनकी क्या रख दूंगा, सबकी वैल्यू रख दूंगा, कोस थीटा वन के लिए टू माइनस टू अपॉन थ्री का स्क्वायर माइनस टू अपॉन थ्री का स्क्वायर प्लस कोस थीटा वन अपॉन थ्री का स्क्वायर वन अपॉन थ्री का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा कोस टू अपॉन थ्री का स्क्वायर टू अपॉन थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री। ये क्या आ जाएगा, ये क्या टू फोर बाई नाइन प्लस वन बाई नाइन प्लस फोर बाई नाइन माइनस थ्री, ये कितना आ गया वन बाई नाइन, ये क्या आ गया टू मल्टीप्लाई नाइन बाई नाइन माइनस थ्री, नाइन से जाएगा टू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन, कितना आ गया माइनस के वन आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो ये क्या लाइन थी ज्वाइनिंग थी ओरिजिन थी पॉइंट को, इतने से इतने मिला उसके पॉइंट से, और इसकी जो एक्सल के साथ एंगल है वो बना लिया थीटा वन थीटा टू। तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये इसकी वैल्यू निकालने के लिए ओ ए बराबर ये दे रखा, तो इसका जो है वो निकाल लिया, मोड निकाल लिया आ गई। तो ओ ए कैप क्या आ जाएगा, इससे फिर डिवाइड कर दूंगा, ओ ए अपॉन मोड ए ये आ गया। तो इसकी जो एंगल एक्सिस जो थीटा वन आ गया, ये थीटा टू आ गया, ये थीटा थ्री आ गया, इसकी वैल्यू जो है यहाँ रख दूंगा, तो इसकी क्या आ जाएगी टू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन आएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। देखो भाई क्या है, तब परपेंडिकुलर ड्रॉन इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू फाइव वन फ्रॉम द पॉइंट टू फाइव वन
फ्रॉम द पॉइंट 251 ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू ए टू ए फाइव ए पासिंग थ्रू टू ए फाइव इज वन अपॉन फाइव इज वन अपॉन फाइव टू अपॉन फाइव थ्री अपॉन फाइव क्या वन अपॉन फाइव टू अपॉन फाइव थ्री अपॉन फाइव फाइंड द देन अल्फा इज इक्वल टू देन क्या कहते हैं या फाइंड देन फाइंड एल या ए फाइंड ए ए की वैल्यू निकालनी क्या है इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 251 फ्रॉम द पॉइंट 251 ओनली लाइन पासिंग थ्रू ए टू ए फाइव देखो भाई ये कोई एक लाइन है ये मान लिया कोई एल या एम लाइन है इस पॉइंट से ये पास हो रहा है ये पॉइंट कितना है ये 251 251 है ये पी है ये क्या है क्यू है ठीक है अच्छा अब या अब मैं कह रहा हूं कि ये एक ये जो ये लाइन है इसके लाइन के जो किससे पास होकर जा रही है ये है ए टू ए फाइव ये लाइन है इससे पास होकर जा रही है अब डीआरएफ ऑफ पी क्यू यानी डीआरएफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे तो क्या आएगा इससे हो जाए 1/5 माइनस टू क्या जाएगा 1/5 माइनस के टू अच्छा ये क्यू जो है इससे मान लीजिए वो पॉइंट आ गया 1/5 2/5 3/5 तो क्या आएगा 1/5 माइनस टू क्या आएगा 1/5 माइनस क्यू आगे 2/5 माइनस फाइव 2/5 माइनस के फाइव कोमा क्या आएगा 3/5 माइनस 3/5 माइनस के 1 अगर डीआरएफ ऑफ एल डीआरएफ ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एल एल के क्या आएंगे ये भी इसी तरह आएंगे ये इससे पास हो गया 1/5 माइनस ए क्या आएगा ए माइनस 1/5 क्या आएगा ए माइनस 1/5 टू ए माइनस 2/5 फाइव माइनस 3/5 ठीक है भाई अच्छा ये देख रहा है ये इसका जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ये देखो इसमें दे रखा है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये फुट परपेंडिकुलर है इनकी जो है इनके डॉट डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होनी चाहिए जीरो जाएगी इनकी इनकी क्या ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस डी आर उसके क्या सी वन सी टू इक्वल टू क्या जाएगा ये जीरो आ जाएगा क्या जाएगा ये जीरो आ जाएगा अच्छा ये क्या आ जाएगा यहाँ से 1/5 माइनस के 3/5 ये क्या आएगा 5/5 25 टू माइनस के 2/3 ये क्या जाएगा 5 - 3 माइनस के 2/5 ठीक अब इनके क्या करूंगा इसकी इन्वेंशन लिखेंगे ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू बिकॉज वी हैव द गिवन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हैंड क्या आएगा ए माइनस 1/5 ए माइनस 1/5 माइनस 3/5 माइनस के नहीं 1/5 टू द 10 माइनस के 9/5
माइनस के 9/5 माइनस के 9/5 प्लस 2a-2/5 क्या आएगा प्लस 2a-2/5 इक्वल टू माइनस 23/5 प्लस ये क्या आएगा 5 5 25 और माइनस 3 22/5 मल्टीप्लाई माइनस 2/5 इक्वल टू 0 ये आ गया माइनस के 2y देखो इसमें भी यहाँ माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस सारा क्या आ जाएगा ये डिवाइड कर दूंगा साथ में क्या है नीचे 5 आ रहा सबके ये तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से ये क्या आएगा 5a-1/9/25 ये क्या आएगा प्लस 10a-2/25 23 प्लस 44/25 25 से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा तो क्या आ जाएगा ये और 9 की क्या करके 9 4 45a-9 प्लस 230a-426 प्लस 44 इक्वल टू 0 तो इसे सोल्व कर लेंगे सोल्व क्या आएगा a इक्वल टू बताओ सोल्व क्या आएगा कोई क्या है ये क्वेश्चन क्या है कि ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है गिवन ऑफ द पॉइंट इज 2 5 पॉइंट से ये और पासिंग थ्रू द इसे ये है ये लाइन है 8 to 5 इज 1/5 तो इसके डी आर निकालेंगे पी क्यू के और फिर किसके एल लाइन के डी आर निकाल लेंगे दोनों लाइन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर तो a1 a2 + b1 b2 इज प्लस c1 c2 = 0 इसकी एक वैल्यू निकाल लेंगे ठीक है आगे बढ़े ये इजी क्वेश्चन होते हैं सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन की लेंथ होती है आगे बढ़े लेट पी क्यू बी द पॉइंट लेट पी क्यू बी द पॉइंट ऑन द लाइन पी क्यू बी द पॉइंट ऑन द लाइन लेट पी क्यू बी द पॉइंट ऑन द लाइन x + 3/8 + 3/8 = y + 2/4 = z y - 4/2 क्या है y - 4/2 z + 1/2 which are not which are at a distance of 6 units
फ्रॉम द पॉइंट 1 to 3 of the centroid of the triangle, if the centroid of a triangle is the centroid of a triangle, PQR is triangle PQR is alpha, beta, gamma, alpha, beta, and gamma. Then y alpha square plus beta square plus gamma square equal to q. Now, क्या question है? P, Q, B are the points on the line x plus 3 upon 8 equal to y minus y upon 2 equal to z plus 1 upon 2, which are at a distance 6 units from the point 1, 2, 3. If the centroid of the triangle PQR is alpha beta gamma, ये इसके centroid है. देखो भाई ये क्या है? ये एक जो है ये line है. M मान ले line. ये M line है. एक कोई यहाँ P point है. इससे इसकी ये distance है. ये भी 6 unit है. ये भी 6 unit है. और इसके जो वो है coordinate है. इसके coordinate है 1, 2, 3. इतने coordinate है इसके 1, 2, 3. ये और ये गिवन लाइन है m. गिवन लाइन m की क्या है? m की वैल्यू है x plus 3 upon 8 equal to y minus 4 upon 2 equal to z plus 1 upon 2. लेट इज द लैम्डा के बराबर. ये जो गिवन लाइन है इसको कोई पॉइंट है मान लिया. ये जो है मान लीजिए जो पॉइंट है इस पे जो है ये मान लिया कोई इस पॉइंट है ये इस लाइन पे ये अल्फा है लाइन अल्फा. तो अल्फा क्या आएगा यहां से? एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन 8 इक्वल टू लैम्डा. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए हैं? एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 8 लैम्डा माइनस 3. वाई इक्वल टू क्या आ गया? 2 लैम्डा प्लस 4. दैट इक्वल टू क्या आ गया? 2 लैम्डा माइनस के ऊपर पहले बताया था. ये क्योंकि कोऑर्डिनेट ये आ गए. अच्छा ये जो आ गए 8 लैम्डा माइनस 3 2 लैम्डा प्लस 4 ये 2 लैम्डा माइनस y जो इस लाइन को कर रहे हैं ये इस लाइन पे जो लाइन होंगे ये पॉइंट इस पॉइंट होंगे या तो ये p के कोऑर्डिनेट होंगे ये कहां के होंगे q के कोऑर्डिनेट एक के मान लो मान चाहे तो p के मान लो चाहे क्या मान लो q के. लेट इट विल द पॉइंट ऑफ p that that is alpha minus 3 it is the point of the but we have it is the point of p that is the point of but we have the given that is distance is 6 pr is equal to 6 pr is equal to 6 pr is equal to 6 which it means pr yani ki 8 lambda minus 3 minus 1 ab ye p ke coordinate aa gaye is pe aa gaye 8 लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 ये क्या आ गया 2 लैम्डा माइनस 1. अब ये पी आर कितना आ गया है 8 लैम्डा 3 माइनस 1 8 लैम्डा 3 माइनस 1 8 लैम्डा 3 माइनस 1 ये क्या आएगा 8 लैम्डा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर निकाल दो 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 पॉइंटों की डिस्टेंस निकाल लिए फिर क्या आएगा 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस 2 क्या आएगा 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर. अब ये पी आर का इसके डिस्टेंस ही आ जाएगी भाई पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर यानी पी आर इक्वल टू 6 पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर ये आ गई भाई.
अब ये क्या आ गया, एट लैम्डा माइनस फोर, एट लैम्डा माइनस फोर का स्क्वायर प्लस टू लैम्डा प्लस टू का होल स्क्वायर, टू लैम्डा प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा, टू लैम्डा माइनस फोर का होल स्क्वायर, टू लैम्डा माइनस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू लैम्डा माइनस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इक्वल टू क्या आ गया 36। अब इसका स्क्वायर खोल देंगे, क्या खोल देंगे, इसका स्क्वायर खोल देंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या आ गया 50 लैम्डा का स्क्वायर, 64 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 टू द 8, 4 8 8 द 64 लैम्डा प्लस क्या आएगा यहाँ से 4 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4, 4 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर क्या आएगा 4 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 8 टू द 4 टू द 8, 8 टू द 16 लैम्डा इक्वल टू 36। इसको फिर सॉल्व कर लूंगा, इसको क्या कर लूंगा मैं, ये कितना आएगा 64 और 4 68, 68 और 4 72 लैम्डा का रूट स्क्वायर, 72 लैम्डा का स्क्वायर। अच्छा और क्या आएगा, ये सेवेंटी टू माइनस लैम्डा का स्क्वायर ये कितना आएगा 16 एरा, 4 एरा 20, ये 16 माइनस 36, 36 से 36 जाएगा और ये लैम्डा में कितना जाएगा, इधर कितना है माइनस 64 लैम्डा, माइनस 64 लैम्डा और 8 माइनस के 72 लैम्डा, माइनस के 72 लैम्डा, माइनस के 72 लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा 72 दोनों में कॉमन ले गए लैम्डा, तो लैम्डा इज माइनस 1, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, या तो इफ ये 0 या ये 0, इफ लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा की दो वैल्यू आ गई, लैम्डा इक्वल टू 0 और 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 0 और 1। अच्छा अब अगर मान लिया, अगर लैम्डा की वैल्यू 0 रखूंगा यहां, अगर लैम्डा की वैल्यू 0 रखूंगा मैं यहां, तो कितना आ जाएगी 0 की वैल्यू माइनस 3 4 माइनस 4 क्या जाएगी माइनस 3 4 माइनस 4 इफ इफ लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, तो क्या जाएगा माइनस 3 4 माइनस 4 1, माइनस 3 4 और माइनस 1 इफ। अब अगर यहां से लैम्डा की वैल्यू 1 रखूंगा, इफ इफ लैम्डा इक्वल टू 1, मान लो 3 पॉइंट आ गए, अब लैम्डा की वैल्यू 1 रख के क्या आ जाएगा यहां से 8 1 का 8, 8 माइनस 3 5, 5 आ जाएगा यहां से, यहां 1 रख के क्या आ जाएगा 2 और प्लस 4 6 और फिर 1 की आ गई, इफ लैम्डा की वैल्यू 1 है देन ही आ जाएंगे पॉइंट, ये इसकी पॉइंट आ जाएंगे। अच्छा अब ये, अब इसके पॉइंट तो ये आ गए, ये क्या आ गए पी आ गए, ये क्या आ गए पी आ गया, ये क्या आ गया ये क्यू आ गया, क्यू भी क्या आ गए मान लिया 5 6 1 आ गया, 5 6 1 आ गया, पी के क्या कोऑर्डिनेट, इसके पी के क्या आ गए, ये आ गए -3 -3 4 -1। अब इसका सेंट्रॉइड निकाल लेंगे, क्या आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या होते हैं यहाँ से, ये होता है x1 + x2 + x3 / 3 y1 + y2 / y3
कोमा जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, क्या ये इसके जो है क्या निकालेंगे, इसके सेंट्रॉइड निकालेंगे, क्या निकालेंगे बताओ, क्या लेंगे सेंट्रॉइड इसके कितने आएंगे इसके, देखो ये है ना माइनस थ्री फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स माइनस थ्री क्या जाएगा, ये क्या जाएगा सेंट्रॉइड और फिर ट्राइंगल क्या जाएगा यहां से, यहां कर लेता हूं मैं इसको, वैल्यू निकालनी है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, लिखेंगे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, यानी कि वन यानी कि माइनस थ्री प्लस फाइव प्लस वन अपॉन थ्री, ये क्या आ गया फिर, फिर क्या आएगा फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व अपॉन थ्री क्या आएगा ये फोर, तो क्या आएगा वन फोर वन, क्या आएगा ये वन फोर वन, ये फोर कर लेंगे वन फोर वन, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू वन, बीटा इज इक्वल टू फोर एंड गामा इज इक्वल टू वन, वी हैव फाइंड टू द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस के गामा का स्क्वायर, अल्फा अल्फा की वैल्यू कितनी है वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन प्लस सिक्सटीन प्लस वन क्या आ गया एटीन, एंड इट इज द आंसर एटीन, सो दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर विल बी टू द एटीन, देखो भाई क्या था ये, एक कोई लाइन थी, एक यू कोई लाइन थी, मान लीजिए एम यू कोई लाइन थी है, इसकी इक्वेशन दे रखी थी है इसकी, और एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट पी था आर था, इससे इसकी जो पॉइंट की डिस्टेंस थी सिक्स थी, ये भी सिक्स है ये भी सिक्स है, अब मैंने क्या करा इस लाइन, मान लीजिए कोई इस पर कोई पॉइंट है एल्फा है लाइट कर रहा है, तो इसके बराबर एल्फा के बराबर मान लूंगा, इसके बराबर क्या मान लेता है बराबर एल्फा मान लो, अब एल्फा मान लिया तो एक्स की वैल्यू भी निकाल ली, फिर यहां से इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब मान लीजिए कोऑर्डिनेट आ गए ये तो या पी के होंगे या क्या होंगे गिवन क्यों, अगर पी के हैं मान लिया तो पी आर इक्वल टू सिक्स, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू सिक्स, दोनों की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा ले, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर वाई टू माइनस वाई का स्क्वायर, इसे सोल्व कर दिया लैम्डा की वैल्यू जीरो और वन आ गई, लैम्डा की मान लिया जीरो रखते हैं तो पी की वैल्यू आ गई और वन रखे क्या आ गई यहाँ रखते हैं इसमें क्या की वैल्यू आ गई क्यू की वैल्यू आ गई, अच्छा अब इसमें जो है अब ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा दे, एक्स वन प्लस एक्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल ये आ गया, अब ये सेंट्रॉइड ऑफ दे रखा गिवन, गिवन क्या है ये है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया वन आ गया, बीटा इक्वल टू फोर आ गया, गामा इक्वल टू वन, और दैट इज प्रूफ, इसे इसमें वैल्यू पुट कर दी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा वी हैव दे दिया दे दिया ठीक है भाई, अगली बात नहीं आगे बढ़े, यह सवाल विथ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन
इफ गॉड शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, ये लाइन दे रखी आर इक्वल टू अल्फा आई प्लस टू जे, अल्फा आई प्लस टू जे प्लस टू के प्लस आई माइनस टू जे प्लस टू के प्लस लैम्डा आई माइनस टू जे प्लस टू के सब पे ये क्या है ये? लैम्डा बिलोंग्स टू आर, कैसे है ये लैम्डा बिलोंग्स टू आर? एंड आर टू इज इक्वल टू, एक और कोई लाइन है तो आर वन है, एक क्या है आर टू, एक क्या है आर वन है, एक क्या है ये एक आर टू है, एक क्या है ये आर टू है, आर टू क्या आ गई है माइनस फोर आई, माइनस फोर आई माइनस के म्यू इक्वल टू थ्री आई माइनस टू जे, थ्री आई माइनस टू जे प्लस माइनस टू के न्यू बिलोंग्स टू आर, आर वन इक्वल टू क्या आ गया लैम्डा, ये है इफ नाइन, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज नाइन, फाइंड द लेंथ, लेंथ की वैल्यू निकालो। देखो भाई इससे ये पता लग रहा है कि ये दोनों लाइन ये एक लाइन है ये आर इज इक्वल टू लैम्डा आई प्लस टू जे प्लस टू के, एक लाइन है आर टू माइनस फोर आई माइनस के म्यू, ये दोनों लाइनें क्या है पैरेलल नहीं है, इससे पता लगेगा। अगर ये एक होती ये पैरेलल होती के कोएफिशिएंट तो ये पैरेलल नहीं थी, ये पैरेलल नहीं है, अगर पैरेलल नहीं है तो यहाँ पे क्या लगाए ए टू माइनस ए वन, क्या लगाए ए टू माइनस ए वन, क्या लगाए लैम्डा प्लस फोर, लैम्डा प्लस फोर आगे क्या आएगा टू जे तो है ही नहीं इसमें, टू माइनस जीरो ये क्या आएगा टू माइनस वन, टू प्लस वन क्या आएगा ये टू प्लस वन आएगा, ये क्या आ गया अल्फा प्लस फोर इक्वल टू क्या आ गया अल्फा लैम्डा, लैम्डा प्लस फोर टू और ये थ्री, ये आ गया। अच्छा एक्स दोनों ये बी वन क्रॉस बी टू ये शॉर्ट, ये क्या आएगा देखो भाई अब मुझे ये क्यों कर रहा हूं, ये मुझे करना है एक होता है क्या होता है डी, डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है डी इक्वल टू क्या होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू समोट अपॉन बी वन अपॉन बी टू अपॉन बी वन अपॉन, यही तो होता है इस निकालने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, इसके लिए क्या निकाला मैंने ए टू माइनस ए वन निकाल लिया,
भी क्या निकाला, डी वन क्रॉस वी टू, डी वन क्रॉस वी टू क्या आ गए हैं, आई जे के, ठीक एक वन माइनस टू टू क्या गया, वन वन माइनस टू टू, वन माइनस टू टू क्या गया, थ्री माइनस टू क्या गया, थ्री थ्री बाई टू, फोर करो क्या आ गया भैया, इसको इसको सोल्व करो क्या आ गया, करो सोल्व जल्दी से, ये आ गया कोई, ठीक है बोलो, ठीक है क्या आ गया, आठ आई, आठ आई प्लस आठ जे प्लस फोर के, ठीक है आठ आई प्लस आठ जे प्लस के फोर के, ये आ गया बी वन क्रॉस बी टू, ये आ गया आठ आई प्लस आठ जे प्लस फोर के। अब इसकी वैल्यू यहां से ये इसकी डॉट प्रोडक्ट कर लूंगा तो क्या आएगा, एट जी इक्वल टू नाइन है, क्या आएगा एट मल्टीप्लाई लैम्डा प्लस फोर, एट मल्टीप्लाई लैम्डा प्लस फोर, आगे क्या आएगा ये एट मल्टीप्लाई टू प्लस एट मल्टीप्लाई टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई फोर प्लस थ्री मल्टीप्लाई फोर अपॉन बी वन अपॉन बी टू का होल स्क्वायर, बी वन अपॉन बी टू का होल स्क्वायर क्रॉस बी वन बी टू, ये होता है भैया यही होता है सर, बी वन डॉट बी टू का ए, बी वन डॉट बी टू का होल स्क्वायर, एट का स्क्वायर क्या आएगा, एट का स्क्वायर प्लस एट, एट का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, क्या आएगा यार एट का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर नाइन, ये आलमोस्ट ये क्या आ जाएगा, ये नाइन इक्वल टू एट लैम्डा प्लस थर्टी टू प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व अपॉन एट, एट का सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटी फोर कितना आ गया वन हंड्रेड ट्वेंटी एट प्लस सिक्सटीन कितना आ गया, इसमें से 16 कॉमन लेके 16 कॉमन ले लू, बाहर 4 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 ठीक है, 9 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 12 आ गया, किसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 12, क्या आ गया स्क्वायर रूट 12, तो 12 9 का 108 इक्वल टू क्या आ गया एट लैम्डा प्लस ये कितना आ जाएगा, ये 48 प्लस 2 60 एट लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 48 अपॉन 8 लैम्डा इक्वल टू 6 या लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। देखो भाई क्या है ये सवाल, ये दो लाइनें थी, ये एक तो ये है और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एक है लाइन, इनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जो है 9 है, सो अगर ये लैम्डा बिलोंग्स टू आर है, म्यू भी बिलोंग्स टू आर है, इसकी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, क्या निकल लैम्डा की वैल्यू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सीधा सा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन ये होता है मोड बी वन, ये होता है, इसको मैंने पहले ए टू माइनस ए वन निकाल लिया, ये रहा इसका, फिर क्या आगे निकाला बी वन क्रॉस बी टू निकाल लिया, फिर शॉर्टेज डिस्टेंस में डायरेक्ट इसको पुट कर दिया और फिर क्या आ गया, सीधी सी बात है लैम्डा इक्वल टू सोल्व करके 6 आ गया, ठीक है भाई, आई बात समझ में, अगर समझ में आ गई तो
आगे बढ़े नहीं तो नहीं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट joining the point 2, 1, minus 3 and three minus one seventh and Badola 3 minus 1 7 and a line and a line parallel to and a line parallel to x minus 1 upon 3 y upon 4 is equal to z plus 3 upon 5 z plus 3 upon 5 through the point 104 through the point 104 if इसका एक्यूट एंगल निकालना है, इसका एक्यूट एंगल निकालना है, किसका द एक्यूट एंगल ज्वाइनिंग द पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, 2 minus 1 3 3 minus 1 7 एंड ए लाइन पैरेलल टू एक्स माइनस वन अपॉन थ्री वाई अपॉन फोर जेड अपॉन थ्री अपॉन फोर और जो ये से पास हो गई है थ्रो 1204 अच्छा पहले डीआरएफ निकाल लू, क्या निकाल लू मैं डीआरएफ ऑफ, पहले पहली लाइन के डीआरएफ ऑफ लाइन वाले पहली लाइन के डीआरएफ एल वन पहली लाइन के एल वन के डीआरएफ निकाल दूंगा, क्या जाएगा ये माइनस थ्री माइनस टू, क्या जाएगा ये माइनस थ्री माइनस क्या जाएगा माइनस थ्री माइनस टू वन माइनस वन मान लिया दो लाइन है, पहली पहली फिफ्टी की लाइन मान लो, पहले उसको डीआरएफ निकाल लूंगा, फिर क्या की निकाल लूंगा, फिर मैं दूसरी लाइन की निकाल लूंगा, जैसे इसके डीआरएफ क्या आएगा थ्री माइनस टू वन माइनस वन क्या आएगा माइनस माइनस थ्री है यार क्या आएगा माइनस थ्री माइनस टू माइनस थ्री और ये वन है यहाँ से माइनस थ्री
माइनस थ्री माइनस टू कोमा वन माइनस वन कोमा सेवन प्लस थ्री ERS के DRS ऑफ लाइन। पहली लाइन पे DRS आ गया और दूसरी लाइन में DRS क्या है? DRS ऑफ एल टू लाइन, मान लो दूसरी लाइन के एल टू क्या आ गए, ये रहे डीआरएस दूसरी लाइन के 3 4 5 3 4 5 इसके ये है, पहली लाइन के हैं, ये कितना आ गया इसके माइनस थ्री और टू कितना आ जाएगा माइनस फाइव जीरो टेन, ये आ गए पहली लाइन के तो ये आ गए, दूसरी लाइन के ये आ गए 5 3 4 5 ये डीआरएस। अच्छा और इनके बीच का एंगल निकालना है, इनके बीच का एंगल है, एंगल क्या होता है, वही है कॉस थीटा इक्वल टू थीटा वन डॉट थीटा टू अपॉन थीटा वन, ये आएगा थीटा वन डॉट थीटा टू क्या आएगा 3 माइनस 5 प्लस क्या जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन थीटा का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना जा रहा है 10 5 का 50 और 50 माइनस 15 कितना आ जाएगा ये 35, कितना आ जाएगा ये 35 अपॉन ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 100 125, ये कितना आ गया ये कितना आ गया 9 16 और 15 16 और 9 15 15 और 25 25 25 15 ये आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये क्या आ गया, इनमें से क्या बाहर आ गया 5 बाहर आ जाएगा, ये आ गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 3 5 ऊपर आ गया बाहर नीचे 25 मल्टीप्लाई 5 तो क्या होगा 5 रूट 5 मल्टीप्लाई 50 5 7 का 35 कॉस थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 1 250 का रूट और थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 7 अपॉन 250 का रूट ये आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 7 अपॉन 5 5 अपॉन, अच्छा 25 से 5 बाहर आ जाएगा, 5 रूट 10 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 5 रूट 10 कर लेते हैं, क्या कर लो 5 रूट 10 कॉस इनवर्स 7 अपॉन 5 रूट 10 आ गया आंसर। क्या है भाई देखो ये देखो एक सवाल ये था एक्यूट एंगल निकालना है ज्वाइनिंग द लाइन, ये दो लाइन है इनके और इनके लाइन का और जो इस पैरेलल टू द लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो थ्रो और इससे पास हो भी जा रहा किससे थ्रो द 104 थ्रो द 104 फाइंड द, तो इसके क्या निकाल लेंगे तो पहले लोग L1 के DR निकाल लेंगे, एक लाइन है पहले लोग L1 के DR निकाल लेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे L2 के DR निकाल लेंगे, इन दोनों क्या निकाल लेंगे एंगल निकाल लेंगे फॉर्मूले से सीधा हम जैश का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है आगे बढ़े भाई,
कंसिडर द लाइन लेट, फिर है लेट कंसिडर द लाइन, कंसिडर द लाइन, एक ही लाइन है, क्या लाइन है, एक्स माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू वाई प्लस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस वन, जेड माइनस सेवन अपॉन सिक्स, एक ही लाइन है। फाइंड ये कोई पॉइंट है, ये कोई क्या है, पॉइंट है टू माइनस फाइव कोमा जीरो, क्या है, कौन सा पॉइंट है, टू फाइव जीरो, इज सच दैट, इज सच दैट, ये कोई पॉइंट है, एक एक लाइन है और ये कोई पॉइंट है, कहता है सच दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू, पी Q इज परपेंडिकुलर टू, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L, टू द लाइन L एंड मिड पॉइंट एंड मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू लाइन ऑन O P Q लाइन ऑन द लाइन L, ऑन द लाइन L, ये कोई L लाइन है, ये ऑन द लाइन L देन द कोऑर्डिनेट ऑफ Q R, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर, दैट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर। देखो भाई, एक जो की लाइन पी है, एक जो क्या लाइन है, एन लाइन है, ये क्या है, एन लाइन है, इस पे जो ये कोई पी है, इस पे क्या है, ये पॉइंट क्या है, पी है, पी कितना है, टू, ये कर लो टू माइनस फाइव जीरो, कितना है, टू माइनस फाइव जीरो है, ठीक है। इस पे ये क्या है, कोई आर पॉइंट है, मान ले ये कोई आर पॉइंट है, मान ले क्या है, ये आर पॉइंट है, ए कंसीडर ए पॉइंट इज सच दैट दैट ए लाइन, ये कोई लाइन है, ये एल लाइन है, मान ले ये बड़ी वाली एल लाइन की है, ये कैसी लाइन है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर, पी क्यू इज परपेंडिकुलर इज सच दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ, पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो जो है आर है। तो क्या क्या पूछ रहा है यो, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर, अच्छा इसके क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने, तो क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने, देखो इस तो जैसे हो गया, जैसे इमेज हो गया, सीधी सी बात समझ रही है कि चलिए पी है, पी की इमेज क्यू है, इमेज पी के कोऑर्डिनेट, इमेज कोऑर्डिनेट पूछ रहा है यो, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, किससे निकालेंगे देखो भाई। अच्छा अब मुझे एक बात पता लग रही है कि जो ये पी आर है, ये क्या है, ये पी आर है परपेंडिकुलर टू द लाइन एल, पी आर जो है परपेंडिकुलर है लाइन एल पे, पी आर जो है परपेंडिकुलर है लाइन पे, किस लाइन पे, ये गिवन है एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू वाई प्लस टू अपॉन थ्री इक्वल टू जेड माइनस सेवन अपॉन सिक्स, ये है। तो इसको मान लिया, इसको मान लो ये पॉइंट है जिसको लाइन कर रहा है, मान लिया लैम्डा के बराबर है, क्या के बराबर है, लैम्डा, क्या आ गया, टू लैम्डा माइनस वन, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, डी आर ऑफ, डी आर ऑफ पी आर, डी आर ऑफ पी आर क्या आ गए, टू लैम्डा प्लस वन, क्या आ गया, टू लैम्डा प्लस वन, थ्री लैम्डा माइनस टू, थ्री लैम्डा माइनस टू, ये क्या आ गए, सिक्स लैम्डा प्लस सेवन, ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट, डी आर हो गए। अच्छा डी आर, डी आर कितने जाएंगे, ये मान लिया लैम्डा की आ गए, डी आर कितने जाएंगे, अब डी आर ऑफ डी, यहां से लिख रहे हैं डी आर डायरेक्शन ऑफ पी आर, डायरेक्शन ऑफ पी आर क्या जाएगा, टू लैम्डा प्लस वन,
माइनस टू, ये टू लैम्डा थ्री लैम्डा माइनस टू माइनस सिक्स क्या आ गए, टू लैम्डा प्लस वन माइनस टू, टू लैम्डा माइनस टू ये क्या आ गए, थ्री लैम्डा माइनस टू, थ्री लैम्डा माइनस टू माइनस फाइव प्लस फाइव आ जाएगा, ये क्या आएगा सिक्स लैम्डा प्लस सेवन माइनस जीरो, ये क्या आएगा सिक्स लैम्डा प्लस के सेवन, ये क्या आ गया इसके, टू लैम्डा माइनस वन, ये कितने आ गए टू लैम्डा माइनस वन, ये कितना आ गया टू लैम्डा माइनस वन, ये कितना आ गया थ्री लैम्डा प्लस थ्री, ये कितना आ गया सिक्स लैम्डा प्लस सेवन, ये आ गया, ये डी आर, पी आर के डी आर हो गए। तो इसके जो अच्छा इसके और इसके लाइन के जो आ गया ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू डी आर क्या आ जाएंगे जीरो जाएंगे, तो टू लैम्डा माइनस वन क्या आएगा टू लैम्डा माइनस वन टू, क्योंकि बिकॉज पी आर इज परपेंडिकुलर टू एल, क्या जाएगा टू लैम्डा माइनस वन इंटू टू, टू लैम्डा माइनस वन इंटू टू प्लस क्या आएगा ये थ्री लैम्डा प्लस थ्री इंटू थ्री, क्या आएगा थ्री लैम्डा प्लस थ्री प्लस इंटू थ्री, थ्री लैम्डा प्लस थ्री इंटू थ्री, ये क्या आएगा ये सिक्स लैम्डा प्लस सेवन इंटू सिक्स, सिक्स लैम्डा प्लस सेवन इंटू सिक्स इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो आ गया। इसे सोल्व कर लो, इसे सोल्व करके बताओ भाई क्या आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू, करो जल्दी से सोल्व इसको। हाँ तो क्या आ गया लैम्डा इक्वल टू बताओ क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू वन। अच्छा ये एक आर है जिसे लाइक कर रहा है, मान ले आर के तो पॉइंट यही हो जाएंगे, तो ये लेंगे आर पॉइंट टू लैम्डा प्लस वन थ्री लैम्डा माइनस टू और ये सिक्स लैम्डा प्लस सेवन, तो ये मान ली ये पॉइंट ये हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, ये अब है कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट ऑफ आर ये लिखे कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट ऑफ आर के आगे लैम्डा की वैल्यू रख के क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू वन रख के क्या आ जाएगा माइनस वन, क्या माइनस वन टू वन क्या आ जाएगा माइनस वन टू वन आ गया, लैम्डा की वैल्यू रख के क्या आ जाएगा वन रख के माइनस टू वन आ गया। लैम्डा की वैल्यू वन नहीं भैया, क्या आएगी लैम्डा की वैल्यू माइनस वन, ठीक कहा भाई कुछ बच्चों लैम्डा की वैल्यू माइनस वन, ये वो माइनस वन क्या माइनस वन, टू लैम्डा प्लस वन ये माइनस ठीक है ये भाई माइनस वन टू वन आ गया। अच्छा इसका जो मिड पॉइंट भी है, इसका जो मिड पॉइंट भी है, मिड पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, अच्छा इसका ये क्या है मिड पॉइंट भी है, माइनस के कोऑर्डिनेट कितने हैं ये अल्फा बीटा गामा है, कितने हैं ये और मिड पॉइंट क्या आएंगे अल्फा प्लस टू, कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक दूसरे के ध्यान क्या आ जाएंगे अल्फा अपॉन टू अपॉन टू क्या है बीटा माइनस फाइव अपॉन टू क्या है गामा प्लस जीरो अपॉन टू, ये और जब देखो एक तो ये मिड पॉइंट है किसके कोऑर्डिनेट है ये आर के, ये भी आर के कोऑर्डिनेट हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ आर और ये भी आर के हो गए, इन दोनों को क्या कर लूंगा मैं कंपेयर कर लूंगा अल्फा प्लस टू पॉइंट माइनस वन बीटा माइनस फाइव पॉइंट टू गामा पॉइंट टू इज इक्वल टू वन, तो क्या आ गई अल्फा इक्वल टू माइनस फोर, अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से अल्फा इक्वल टू माइनस फोर बीटा इक्वल टू इसे माइनस फाइव पॉइंट टू इज इक्वल टू टू आ गया, बीटा इक्वल टू क्या आ गया नाइन आ जाएगा, क्या जाएगा नाइन आ जाएगा और गामा इक्वल टू टू आ जाएगा, गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा दैट इज फोर, ये है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई है द वैल्यू इज अल्फा बीटा गामा, ये क्या आ गए दो इसके इसके अल्फा बीटा के क्या आ गए फोर
9 to 11 years. देखो क्या सवाल था ये, ये तो ये कंसीडर ये कोई लाइन एल थी, जो जो पॉइंट है ये वो इस तरह का था कि पी क्यू परपेंडिकुलर, ये पी क्यू इसका परपेंडिकुलर भी हो और इसका जो है ये आर जो है इसका मिड पॉइंट है, क्या इसका जो मिड पॉइंट है, यानी पी है इसकी इमेज निकालनी है, क्या निकालनी है इसकी इमेज, यानी कि पी आर इज परपेंडिकुलर टू एल, ये फॉर्मूला लगवा लेंगे इसके डी आर निकालेंगे पी आर वाले लाएंगे दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, इसके ये मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ये भी इसके आर की ये भी कोऑर्डिनेट है, ये भी कोऑर्डिनेट है, दोनों को इक्वल रख लेंगे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है भाई आगे बात समझ, ठीक है आगे बढ़े, ठीक है चलो आज के लिए इतना ही है, ठीक है नेक्स्ट टाइम पे फिर मिलेंगे, थैंक्स ऑफ ऑल, ठीक है।